हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हीर की रसोई में आपका स्वागत है। हीर आज आपको सिखाएगी सिंधी की फेवरेट डिश दाल पकवान। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए हम देखते हैं। सब्जियों में हमें चाहिए प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ते, अदरक का टुकड़ा, धनिया और हरी मिर्च। सूखे मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, तेजपान का पत्ता, जीरा और इमली की प्यूरी। तो चलिए हम दाल बनाने से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल चना दाल, जिसे हमें 2 से 3 घंटे पानी में भिगा के रखना है। देखिए, भिगाने के बाद हमारी दाल का दाना इस तरह फूलकर तैयार हो जाता है। हम भीगी हुई दाल को कुकर में डालेंगे। कुकर में पानी दाल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब मसालों में डालेंगे नमक, हल्दी, तेजपान का पत्ता, अदरक पिसी हुई, कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर प्यूरी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक हमारे कुकर को सीटी लगती है, तब तक हम पकवान बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे मैदा और हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से पकवान में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1/2 चम्मच लेंगे नमक, 1 बड़ा स्पून लेंगे तेल और हम आटे को अच्छी तरह से मिला के गूंथेंगे। हमारी इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। अगर मुट्ठी नहीं बनती आटे की, तो हम समझेंगे हमें और तेल की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा आटा एकदम नरम हो जाएगा। हमको आटा, जैसे पूरी का आटा बनाते हैं, हमें आटा इस तरह तैयार करना है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को धीरे धीरे गूंथना है। ये देखो, हमारा आटा गूंथकर तैयार हो गया है। अब हम आटे को 5 से 7 मिनट ढककर रख देंगे। पाँच से सात मिनट हो गए। अब हमारा आटा पूरी तरह से तैयार हो गया है। हम अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब हम लोइयों को गोल शेप में पकवान के लिए तैयार कर देते हैं। ये देखिए, हमारी सभी लोई बनकर तैयार हो गई है। अब आइए हम पकवान बेलते हैं। हम एक लोई लेंगे, उससे थोड़ा आटा लगाकर इस तरह बेलेंगे। हम पकवान, अगर हमारा पकवान गोल नहीं बनता है, तो आप इसे डब्बे के ढक्कन से भी काटकर गोल शेप दे सकते हैं। हम अब पकवान को काटे के चम्मच से अच्छी तरह से खड्डे करेंगे। ये खड्डे हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा पकवान फूले नहीं। अगर ये फूलेगा तो हमें पूरी की तरह लगेगा और नरम बनेगा। इसी तरह हम दूसरा भी पकवान बेल लेते हैं। हम दूसरे पकवान में भी इसी तरह कांटे के चम्मच से छेद करेंगे। अब हम सभी पकवानों को इस तरह बेल लेंगे। हमारे सभी पकवान बेलकर तैयार हो गए। आइए अब हम तेल गरम कर लेते हैं।
आइए, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकवान को तलते हैं। हम पकवान को जब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि यह लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हमारा पकवान लाइट ब्राउन होने लग गया है। हम हर 5-6 सेकंड में इनको पलटते रहेंगे जब तक कि यह डार्क ब्राउन पकवान नहीं हो जाता है। हम पकवान को अब निकाल लेते हैं। ये देखो, इस तरह डार्क ब्राउन पकवान हमारा होना चाहिए। अब इस तरह हम सभी पकवान को तलकर निकाल लेते हैं। अब आइए, हमारी दाल की भी सीटी लग चुकी है। अब हम दाल को भी फ्राई करने के लिए दाल को निकाल लेते हैं। देखिए, हमारी दाल पूरी तरह तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं हमारा एक एक दाना कितना खिला हुआ लग रहा है। अब हम दाल को एक बाउल में उतार लेंगे। उसमें डालेंगे लाल मिर्च, गरम मसाला, कटा हुआ प्याज। यह दाल में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम रखेंगे एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा तेल, उसमें डालेंगे जीरा। जीरा अच्छी तरह से तड़क जाने के बाद उसमें डालेंगे थोड़े कड़ी पत्ते और दाल में हम इसका छौंक लगा देंगे। अब हम इसे में खटाई के लिए 2 चम्मच इमली प्यूरी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब हम इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यह हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। पर दोस्तों, सिंधी दाल पकवान खाने का मज़ा तभी आएगा जब इसके साथ थोड़ी हरी मिर्ची हम खाएंगे। तो आइए, मैं आपको थोड़ी हरी मिर्ची भी बनाना सिखा देती हूँ। देखो, हरी मिर्ची मैंने धोकर पहले ही वाश कर लिए। हमें मिर्ची को इस तरह बीच से काटना है और इसमें नमक और अमचूर थोड़ा भरकर 10 मिनट के लिए रख देना है। क्योंकि हम ये इसलिए करते हैं ताकि मिर्ची का तीखापन इसमें से निकल जाए। अब आइए, हम इस मिर्ची को गरम तेल में तलते हैं। हम गरम तेल में इसलिए तलते हैं कि मिर्ची अच्छी तरह से कड़क होकर निकल जाए और इनका तीखापन भी निकल जाए। हाँ दोस्तों, देखिए, हमारे दाल पकवान पूरी तरह बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हीर की यह रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। अरे दोस्तों, रुकिए, हीर आपको अभी पकवान तोड़कर बता रही है। ये देखिए, हमारा पकवान कितना स्वादिष्ट और कुरकुरा है। तो आइए हम खाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हीर को लाइक ज़रूर कीजिएगा।